हेलो इंडिया। तो उम्मीद करता हूँ भाई सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे मेरी तरह। तो भाई आज का वीडियो है, एक भाई ने मेरे मतलब चैनल पे आया होगा, उसने वीडियो सर्च की होंगी तो उसको कोई ऐसी वीडियो नहीं मिली जो मतलब बताया गया हो कि पोलैंड के बारे में स्पेशली क्या क्या प्रोसेस है और किस तरीके का यहाँ सिस्टम है। तो उसने कमेंट किया, भाई मैंने देखा कोई वीडियो नहीं मिली, तो भाई वीडियो कहाँ है। तो मैंने सोचा कि आज संडे है, आज बनाता हूँ वीडियो पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ। तो बने रहें और सुनते रहें। तो भाई मैं 2023 जनवरी के मतलब पहले ही वीक में यहाँ आया था, 2024 में, सॉरी 2023 में, अब 2024 हो गई है, एक साल पूरा हो गया मुझे आए हुए। तो भाई जब मैं इंडिया में था तो उससे पहले मेरा यहाँ पे एक दोस्त था जो 5 साल से यहाँ रह रहा था। तो भाई इंडिया में पता ही होगा आपको कितने अच्छे हालात हैं, हर जो भी न्यू जनरेशन का लड़का है बेचारा, परेशानी है क्योंकि भाई कैरियर को लेके और फैमिली प्रॉब्लम्स को लेके कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है सब चीज़ें मुझे पता है, समझ सकता हूँ, मैं भी इन चीज़ों से निकल के ही आया हूँ। तो भाई मैंने उसको फ़ोन किया कि यार बता क्या करना है, तो बोला आ जा फिर। जब उन्होंने बोला आ जा फिर, तो भाई मैंने फिर जो है पासपोर्ट अप्लाई किया, मेरा पासपोर्ट आया। पासपोर्ट अप्लाई आने के बाद में एक एजेंट है वहीं पे ही लोकल में ही, क्योंकि एजेंट तो कोई भी हो सकता है, आपके जो एरिया में एजेंट हो आप उससे ही बात कर सकते हैं, आपके कोई जानने वाला कोई दूर के डिस्टेंस पे हो आप उससे ही बात कर सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे, एजेंट कोई भी हो सकता है। बाकी शर्त यह है कि एजेंट ठीक होना चाहिए, क्योंकि मेन चीज़ तो वही है, वही कराएगा सारे काम। तो अगर एजेंट ठीक है, जेन्युइन है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, सारे काम आपके हो जाएंगे आराम से। तो भाई पासपोर्ट दिया, पासपोर्ट देने के बाद 1 महीने के बाद जो है मेरा वर्क परमिट आ गया। अब वर्क परमिट क्या होता है भाई, वर्क परमिट का मतलब होता है कि हम काम करने जा रहे हैं तो काम करने का एक परमिट है हमारे पास, क्योंकि जब हम यहाँ पोलैंड में जब हम एयरपोर्ट पे जब उतरेंगे तो वहाँ हमारे पास पासपोर्ट वगैरह कुछ भी नहीं देखेगा, ना वीज़ा वगैरह, पहले वो देखेगा, हमसे पूछेगा आपका वर्क परमिट कहाँ है, ठीक है, और किस चीज़ का है, किस काम का है, और वो आपसे उसके बारे में दो तीन चीज़ें नॉर्मल चीज़ें पूछेगा भी, ठीक है। तो भाई वर्क परमिट आ गया, वर्क परमिट आने के बाद में फिर विद पासपोर्ट और जो भी डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो लगाने के बाद में फाइल रेडी हुई, फाइल दे दी एजेंट ने, यहाँ ट्रांसफ़र कर दी। यहाँ आने के बाद में यहाँ एम्बेसी में 3 महीने के बाद, 3 महीने 90 दिन के समथिंग वीज़ा आता है कि भाई वीज़ा आएगा या नहीं आएगा वो कन्फर्म हो जाता है, 90 दिन लगते हैं उसको, ठीक है, मैक्सिमम 90 दिन, कम में कम कभी भी आ जाए, मतलब आपकी वो तो आपके ऊपर है, तो आपकी किस्मत के ऊपर है कैसी किस्मत है, ठीक। 90 दिन के बाद वीज़ा आ गया भाई, मैं उस समय अपने एरिया में घूम रहा था बाइक पे, तब मेरे पास मुझे मेरा PDF आया वीज़े का, खुश भी था और दुखी भी था क्योंकि सब चीज़ छोड़ के आ रहा था मुझे यार दोस्त घर बार फैमिली वगैरह सब कुछ। खैर फिर यहाँ आने के बाद मैं भाई आ गया, फिर देखा ऐसा लगा कि मतलब सब कुछ ही अनाप शनाप, कुछ समझ में नहीं आया स्टार्टिंग में, तो खैर धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया। भाई यहाँ आने के बाद मैं काम करने लगा। अब भाई बात आती है कि मतलब यहाँ पे काम किस तरीके के होते हैं, कौन कौन से काम होते हैं, यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है, यहाँ के लोग कैसे हैं, इन चीज़ों के बारे में। तो भाई सबसे पहला बात होगी काम। तो भाई काम यहाँ पे मोस्टली अगर देखा जाए, काम तो बहुत होते हैं, किसी भी देश में बहुत तरीके के काम होते हैं, लेकिन कुछ स्पेशली काम होते हैं, मतलब स्पेशलिस्ट, जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा करने वाले लोग, तो यहाँ 3 तरीके के काम हैं। सबसे पहला कबाब शॉप। कबाब शॉप मतलब यहाँ पे जो मतलब कहीं भी जाओगे घूमने तो वहाँ पर तुम्हें हर एक 2-2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस से तुम्हें कबाब शॉप मिल जाएगी, तो ये बहुत पॉपुलर है पूरे पोलैंड में। तो भाई वहाँ पर भी जो लोग जॉब करते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया और भी कंट्रियों के। दूसरा आता है भाई रेस्टोरेंट, वो तो आपने सुना ही होगा, इंडिया में भी लोग जॉब करते हैं रेस्टोरेंट पे, तो भाई रेस्टोरेंट पे भी जॉब करते हैं वो भी सही है, एक जॉब ये भी होती है। तीसरा आता है भाई कंपनीज़, यहाँ बहुत सारी कंपनीज़ हैं, अपने वहाँ पर भी हैं यहाँ पर भी हैं कंपनीज़ हैं। कंपनीज़ का क्या है, कंपनीज़ में बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं एक साथ, तो भाई वहाँ वैकेंसी हमेशा जो है रहती हैं, तो इसलिए वहाँ के वीज़े ईजिली लगते हैं, उन जगहों के वीज़े जल्दी लग जाते हैं। अगर कंपनीज आपकी कोई आप किसी कंपनीज में काम करने के लिए आ रहे हैं तो वहाँ अगर आपका वीज़ा अप्लाई हुआ है वहाँ से तो तुम्हें जल्दी मिल जाएगा ये, क्योंकि वहाँ रिकमांड रहती है बंदों को वो करने की। तो भाई ये चीज़ें हैं, कंपनी का काम भी है, इसके अलावा भी बहुत सारे काम है। अगर आप पर्सनल कोई काम जानते हैं इंडिया से, जैसे मान लीजिए आप हेयर कटिंग होता है, ये काम भी यहाँ बहुत पॉपुलर है, बहुत
उसका क्रेज है यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे क्या होता है, एक काम ये घरों में ये जो विंडो वगैरह होती हैं और भी जो ये होती हैं, क्योंकि यहाँ मकान जो होते हैं ना वो ईंट पत्थर के नहीं होते, यहाँ मकान होते हैं लकड़ी के। ठीक है भाई, तो लकड़ी के मकान में भाई 24 घंटे काम रहता है, हमेशा 12 महीने काम रहता है। जब बर्फ़ हटती है तब मकानों में काम शुरू हो जाता है। अगर ये आप काम जानते हैं, अब इस काम का मुझे नाम, इस काम का जो है नाम नहीं पता है, फर्नीचर वगैरह का क्या बोलते हैं उसको, ये काम का तो यहाँ बहुत ही क्रेज है, और भी काम है, तो भाई इस तरीके के काम रहते हैं। दूसरा यहाँ क्या रहता है कि लोग, तो भाई लोग क्या है ना, लोग हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि भाई हमारा व्यवहार कैसा है, हमारा कैसा नेचर है, हम कैसा है। भाई हर जगह डिपेंड करता है, आप इंडिया में होगे या कहीं भी होगे, तो ये चीज़ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगी, तुम्हारा व्यवहार कैसा है। अगर तुम सामने वाले से कोई बात नहीं बोलोगे तो दूसरा बंदा तुमसे कोई बात नहीं बोलने वाला। अगर रही बात अकॉर्डिंग टू इंडिया, तो यहाँ के लोग बहुत सीधे हैं, मतलब किसी को कोई मतलब नहीं। अगर आप किसी से बहुत मतलब हेलो भी करोगे तो वो बंदा रिप्लाई में बहुत कुछ आपको बोलेगा, मतलब बहुत अच्छे अच्छे वर्ड कि भाई मैं भी बहुत ठीक हूँ और आप बढ़िया हैं, कहाँ से आप, कहाँ से आए हैं, आपके वहाँ सब लोग ठीक हैं, इस तरह की बहुत इज्जत देते हैं और कोई भेदभाव नहीं समझते किसी भी तरह का। कहीं कोई कोई लोग होते हैं जो इन चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट वाला इशू क्रिएट कर देते हैं, लेकिन कोई इतना बड़ा मसला नहीं है ये। तो यहाँ तो कोई कोई मिलता है अपने इंडिया में, तो भोसड़ी के पता नहीं कितने ही हैं इन चीज़ों को वो करने वाले, बेफालतू उंगली करने वाले, बेफालतू ये करने वाले, वो करने वाले, तो हटाओ साइड से। तो भाई लोग बढ़िया। करेंसी जो है यहाँ की, करेंसी क्या है, करेंसी यहाँ की जिलोटी है, क्योंकि भाई जो पोलैंड है, स्पेशली पोलैंड जो है वो पूरे यूरोप में एकमात्र ऐसा देश है जो अपनी करेंसी जिलोटी और अपनी भाषा पोलिश यूज़ करता है। मतलब इनका कोई कोई इशू है, ये यूरोप संघ में आते तो हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं करते, अपना अलग ही सिस्टम बनाए हुए हैं। तो भाई इसलिए यहाँ की जो है करेंसी यूरो ना होके जिलोटी है फिलहाल, इससे कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं है, क्योंकि अगर यूरो होगा तो आपको यूरो कम मिलेगा। अब जिलोटी है, जिलोटी डाउन रहता है, कम रेट है जिलोटी का, तो जिलोटी बढ़ के मिलता है। ठीक है, उसका कोई इशू नहीं होता इतना। और एक चीज़ बता दूँ, स्पेशली जो आने वाले लोग हैं, जो आ रहे हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि अब क्या हुआ, जब मैं आया था स्टार्टिंग में तब इतने यहाँ पे काम नहीं थे, आज की डेट में बहुत सारे काम खुल गए हैं, और प्लस 2024 में सैलरी इंक्रीज़ हो गई है, पैसे बढ़ गए हैं, तो आदमी को ये है कि आदमी सेटिस्फाई, मतलब यहाँ काम करके सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ भाई सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये, और भाषा, मतलब आप जो यहाँ की फेमस सिटीज़ हैं वहाँ पर जाओगे तो मोस्टली लोग इंग्लिश बोलेंगे, और जो लोकल एरियाज हैं वहाँ पोलिश बोलते हैं, वैसे पोलिश ही बोलते हैं सब लोग, लेकिन अगर आप बोलोगे उनसे इंग्लिश में तो वो इंग्लिश बोल लेते हैं कुछ सिटीज़ के अंदर। वैसे जानते सब लोग हैं, इक्का दुक्का लोग नहीं जानते, बाकी सब जानते हैं इंग्लिश, मगर बोलते नहीं हैं। हालांकि कोई इनका पर्सनल इशू है कंट्री वाइज, कंट्री कंट्रियों को लेकर, वो मुझे इतना कुछ पता भी नहीं है ना मैं जाना चाहूँगा इन चीज़ों के बारे में। तो भाई ये सब चीज़ें क्लियर हो गई। अब भाई यहाँ पे क्या रहता है, भाई यहाँ आपका एक चीज़ बता दूँ इम्पोर्टेंट, ये कि भाई एक आपका जो वर्क परमिट होगा वो एक, सॉरी आपका जो वीज़ा होगा वो 1 साल का होगा। 1 साल के बाद जब यहाँ आएंगे आप काम करेंगे, 3 महीने के बाद आप, जब 3 महीने आपको काम करते हुए हो जाओ, जब हो जाएंगे, तो भाई आप जिस भी एरिया से आप जॉब करते होगे, जिस भी ब्रांच से आप जॉब करते होगे, जिस भी फील्ड से आप जॉब करते होगे, वो तुम्हारा जो है TRC आई मीन टेम्प्रेरी रेसिडेंस जो होता है वो अप्लाई कर देगा। ठीक, उसका एक प्रोसेस है 8 से 10 महीने का समथिंग जो प्रोसेस है बनने में लगता है, वो हो मिल जाता है यहाँ पे TRC कार्ड। उसके बाद आप चाहे इंडिया जब चाहे जब जाएँ तब जब आएँ कोई इशू नहीं है, और आप जितना चाहें उतना रह सकते हैं यहाँ पे, कोई आपसे कुछ कहने वाला नहीं है। और वैसे भी भाई मतलब कोई क्राइम रेट यहाँ पे इतना ज़्यादा हाई नहीं है, बहुत नॉर्मल है क्राइम। हमने मतलब मुझे 1 साल से ऊपर हो गया, मगर मैंने अभी तक कोई क्राइम यहाँ होते नहीं देखा, जो भी क्राइम किए हैं हमने ही किए हैं, मजाक कर रहा हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बढ़िया है, सब कुछ सही है यार। और अब कोई भी डाउट किसी तरह का अगर तुम्हारे दिमाग में रह गया हो, कोई भी चीज़ मतलब मैंने ना बताई हो, तो भाई मुझे कमेंट करें स्पेशली कि भाई ये चीज़ के बारे में और जानना है मुझे। तो भाई अगर वो चीज़ मुझे मतलब लगेगा कि हाँ ये ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है मतलब लोगों को समझने के लिए, तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, और मुझे लगा कि ये नॉर्मल चीज़ है तो मैं तुम्हें स्पेशली, तो मैं उसका जवाब दे दूंगा वहीं पर कमेंट में भी, या तुम्हारे पर्सनली तुम्हारे जो भी तुम्हारा अकाउंट होगा इंस्टाग्राम या कहीं पर भी, मैं तुम्हें उसका रिप्लाई वहाँ दे दूंगा भाई। ठीक है, तो ये वीडियो भाई एक भाई ने मेरे बोला था उसके लिए है स्पेशली, मैंने एक बंदे के लिए वीडियो बनाई है और अपना पूरा आधा घंटा ख़राब किया। और भाई टाइम की कीमत अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगी, जिस दिन तुम यहाँ बैठे होगे ना तो उस दिन तुम्हें मतलब मालूम चल जाएगा कि भाई मैंने तुम्हारे लिए क्या किया था। आई मीन मतलब वीडियो बनाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन टाइम बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पर, क्योंकि भाई टाइम ही नहीं मिलता। देख लो दाढ़ी,
हाँ, तो टाइम ना मिलने की वजह से दाढ़ी इतनी बड़ी हो रखी है। फिलहाल अभी मैं जाऊंगा अभी सब। तो भाई उम्मीद करता हूँ सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी, जो चीज़ समझ में ना आई हो तो आ जाओ इंस्टाग्राम पे और वहाँ समझाऊंगा, और वहाँ थोड़ी मस्ती भी करता रहता हूँ मैं छोटी मोटी। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना, रमज़ानों में भी याद रखना, और स्पेशली फ़िलिस्तीन के लिए दुआ करते रहना, क्योंकि भाई दर्द इतना ज़्यादा है कि ना ही बोला जा सकता और ना ही सुना जा सकता। तो बस ये है, अल्लाह सब कुछ ठीक कर दे जल्दी से जल्द, और उनके लिए दुआ करें, सब ठीक रहे वहाँ। अल्लाह हाफिज़।